दोस्तों वी नेचुरल आपके लिए कई सारे हेल्पफुल टिप लेकर आता रहता है। जैसे कि आज का जो वीडियो है ये शराब से रिलेटेड है। शराब या किसी भी तरह का अगर आप नशा छुड़ाना चाहते हैं, किसी भी ऐसी नशीले पदार्थ के सेवन से अपने व्यक्ति को आप बचाना चाहते हैं जिससे आपको अगर लगता है कि उसको नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियो बना चुकी हूँ जो कि शराब छुड़वाने में काफ़ी लोगों के लिए मददगार रहे हैं। शराब छुड़ाने का एक सबसे बेस्ट नुस्खा जो मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ में शेयर किया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिलेगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोस के लिंक हैं जो शराब, बीड़ी, सिगरेट, सभी ऐसी नशीले पदार्थों का सेवन छुड़ाने के लिए मददगार हैं, वो आपको मिलेंगे। और इसमें मैंने आपको कई आयुर्वेदिक टिप दे रखी है कई वीडियो में, कई होम्योपैथी के, एलोपैथी के, ज्योतिष से जुड़े भी नुस्खे हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके नशे की आदत छुड़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं अभी के वीडियो की। तो ये जो वीडियो है ये किस बारे में है? तो ये जो वीडियो है ये भी शराब या किसी भी तरह का नशा छुड़ाने के से रिलेटेड है। देखिए मैंने अपना जो पहला वीडियो आपको अभी जो बताया कि आपने जो शराब छुड़ाने का एक वीडियो था जिसमें मैंने जमाल गोटे का इस्तेमाल किया था, जो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल रहा है, जमाल गोटे से किस तरह से शराब छुड़ाई जाए। कईयों की शराब छूटी है पर कुछ जो हैं जो इसको अजमाने से डर रहे हैं, उनके मन में कुछ डाउट है, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि जमाल गोटा होता क्या है। तो देखिए जमाल गोटा जो है ये एक पेड़ का फल होता है, ठीक है। बहुत एक जमाल गोटा ही एक पेड़ होता है, उसके अंदर फूल लगते हैं, वो फूल जब सूख जाते हैं तो उनके अंदर से कुछ बीज निकलते हैं, वो होते हैं जमाल गोटा। ये दिखने में इनका जो टेक्सचर होता है ये बिल्कुल मूंगफली के दाने जैसे दिखते हैं। देखिए इस तरह से दिखते हैं जमाल गोटे। तो ये हैं जमाल गोटे, इस तरह के ये दिखते हैं मूंगफली के दानों की तरह। अब इनका इस्तेमाल क्या क्या है, मतलब इनके क्या क्या यूजेस हैं, हम इन्हें किन किन चीज़ों में काम में ले सकते हैं? तो सबसे पहले कि जमाल गोटा जो होता है ये कब्जियत को दूर करने में भी काम में लिया जाता है। पर कब्जियत को दूर करने के लिए इसकी कितनी मात्रा का सेवन करना है, किस तरह से इसे यूज़ करना है, ये अगर आप डॉक्टर से परामर्श लेके ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। दूसरा इसका यूज़ होता है कि इसको कहते हैं स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसका पेस्ट बना के फेस पर मास्क की तरह अगर लगाया जाता है तो चेहरे से पिगमेंटेशन, झाइयाँ, झुर्रियाँ वगैरह खत्म होती है। पर यह टिप मैंने अभी तक आजमाया नहीं है इसलिए मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी। साथ ही इसको कहा जाता है कि गंजेपन को भी दूर करता है जमाल गोटा। तो ये तो अजमाया हुआ है और मेरा देखा हुआ भी है कि अगर आप गंजेपन से शिकार हैं, अगर आपके सारे हेयर फॉल हो चुका है या फिर कहीं कहीं पर सिर में चकते बन गए हैं, वहाँ पर आप जमाल गोटे का पेस्ट बनाकर, मतलब इसके जो बीज हैं उन्हें पीस लीजिए, एक पेस्ट फॉर्म कर लीजिए और उन्हें उस जगह पर अगर लगाते हैं तो वहाँ से बाल उग जाते हैं। तो ये हैं जमाल गोटे के यूजेस। पर मैंने जो जमाल गोटे का इस्तेमाल करके और जो वीडियो बनाया है जो कि बहुत लोग के हेल्पफुल रहा है, और ये मैंने पहले खुद अजमाया था, हमारे जो नेबर हैं उन पे हमने अजमाया था, उनकी जो बचपन से शराब पी रहे थे उनकी आदत छूट गई, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में उसका शेयर किया था और कईयों को इससे फ़ायदा मिला है। एक चीज़ की आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पीछे जो है कुछ ढोल की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पास में चल रही है शादी, पर वीडियो मुझे अभी बनाना है इसलिए मैं वीडियो कैरी ऑन कर रही हूँ। अब देखिए जमाल गोटे को इस्तेमाल कैसे करना है, कुछ सावधानियों को रखना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो देखिए पहले जो वीडियो में मैंने आपको टिप बताया था आप उस तरह से भी इसे फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जो भी व्यक्ति शराब पीता है आपको उसको जमाल गोटे की कुछ मात्रा देना है। कैसे देना है? जैसे अगर वो व्यक्ति शराब पी के आया, अब वो जब भी खाना खाएगा या कुछ भी चीज़ पीता है उसमें आपको जमाल गोटे का आधा बीज, ठीक है, जमाल गोटे का एक बीज लीजिए, उसे आप किसी भी चीज़ से प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल चूरा हो जाएगा। तो एक चुटकी भर के आपको लेना है और वो जो भी चाय वगैरह या फिर खाना खा रहे हैं उसमें आपको दे देना है, वो उनके शरीर में जाएगा, आधे घंटे के अंदर उन्हें दस्त लगेंगे, ठीक है, लूज़ मोशन होगा, खतरनाक वाला होगा, पर आपको डरना नहीं है। और साथ ही उस व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं लगने देना है कि उसे आपने कुछ दिया है उसकी वजह से दस्त हुआ है, ठीक है, आपको उसे दस्त लगने देना है। अब अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, तो आप उन्हें कोई मेडिसिन भी दे सकते हैं, दही चावल खिला दीजिए, टमाटर और जीरा खिला दीजिए जिससे दस्त रुकते हैं, ऐसी सब चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं, हो सकता है उनके उन चीज़ों देने से दस्त रुक जाए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से शराब पिए फिर आपको थोड़ी सी मात्रा देना है, फिर दस्त लगेंगे, फिर आपको वही चीज़ें करना है जो हमने पहले की, फिर से उन्हें जमाल गोटा देंगे, फिर से उनके साथ में सेम प्रोसेस करेंगे, पर
आपको एक या दो बार के बाद में फिर उन्हें थोड़ा सा दिमाग पे उनके जोर डालना है कि हो सकता है आप शराब पी रहे हैं, उस वजह से आपको दस्त लग रहे हैं, शराब आपकी बॉडी को सूट नहीं हो रही है। लोगों का सबका शरीर अलग अलग होता है, हो सकता है आपका शरीर शराब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, उनको बिल्कुल सिर्फ आपको डर बनाना है उनके दिमाग में। हो सकता है वो पहली बार में इस बात को ना माने, दूसरी बार फिर आप उनके साथ यही करेंगे, वो शराब पी के आए, आप उन्हें फिर से जमाल घोटा देंगे, फिर उनके कान पे यही बात डालेंगे, देखो आपने आज फिर से शराब पी इसलिए आपको फिर से दस्त लग गए, ठीक है। वो फिर आपकी बात टाल देंगे, फिर दो तीन बार सेम प्रोसेस कि आप शराब पी रहे हो, जब क्या रहे आपको दस्त लग रही है, आप डॉक्टर को दिखाओ या किसी से भी पूछो, आपको शराब सूट नहीं हो रही है। ऐसे कर करके उस व्यक्ति के मन में शराब को लेके इतना भयंकर वाला डर हो जाएगा, क्योंकि ये जो जमाल घोटे से दस्त लगती है ये इतनी खतरनाक वाली होती है। एक तरह से तो ये कहा जाए कि वो जो दस्त लगेगी ना, उनको दस्त से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो शराब पी ले, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये कि हंसी की भी बात है, पर हाँ ये ऐसा ही है कि उस व्यक्ति के अंदर इतना भयंकर वो जो तकलीफ होती है ना दस्त की, इतनी खतरनाक वाली होगी कि वो शराब को हाथ लगाने से भी डरेंगे, शराब के बारे में सोचेंगे और कांप उठेंगे। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। पर एक बात मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, जमाल घोटा ना तो शराब से नफरत कराता है, ना ही शराब का इलाज है। इलाज है आपका हुनर, हुनर है आपका दिमाग, मतलब आप कितनी एक्सपर्टनेस से, आप कितने प्रभावी तरीके से उनका दिमाग को कन्वेंस करते हैं, आप उनके दिमाग के साथ में किस तरह से खेलते हैं। डर आपको बनाना है, जमाल घोटा डर नहीं बनाएगा, डर आपको बनाना है, आपके उनके दिमाग को सेट करना है कि ये जब आपको जो दस्त लग रही है ये इस वजह से लग रही है। इस तरह से उनके मन में डर पैदा हो जाएगा और वो शराब छोड़ देंगे। अब ये तो बताया मैंने आपको, पहली वाली वीडियो को डिस्क्राइब करके बताया। अब एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि हम बार बार के जो जमाल घोटे को पीसना है ये इन सब झंझटों से अगर बचना चाहते हैं तो देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ले लेंगे इस तरह से जमाल घोटा, यहाँ पर मैंने थोड़े से बुलवाए हैं, उन्हें इस तरह से मिक्सर में पीस लीजिए, एकदम आप बारीक पाउडर बना लीजिए, उसे छान लीजिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर जब बन जाएगा तो किसी डब्बी में भर के रख लीजिए और इस तरह से बस इतनी सी चिमटी भर के आपको इसका इस्तेमाल करना है। देखिए बस इतना सा जमाल घोटा काफ़ी है। इस तरह से इकट्ठा आप जमाल घोटा पीस के रख लेंगे किसी पाउडर या किसी भी डब्बी में। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो डब्बी आप रखेंगे ये किसी सेफ जगह पर रखें, बच्चों के किसी भी मतलब घर के किसी भी व्यक्ति के हाथ ना लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसका एक कण भी अगर शरीर में जाता है तो ये मोशन पैदा कर देता है। तो इसलिए इसे बिल्कुल सेफेस्ट प्लेस पर रखें। आप भी जब इसका इस्तेमाल करें तो बिल्कुल उसको यूज़ करने के बाद में अपने हाथ अच्छे से धोएं, किसी भी खाने की चीज़ में ना लगाएं, ये मेरी आपको वार्निंग है। इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखिए जमाल घोटे के इस्तेमाल से कई लोगों को लगता है कि क्या होगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, कुछ नुकसान होगा, तो मैं इन चीज़ों को भी आपको क्लियर कर देती हूँ। जमाल घोटे को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? अगर व्यक्ति को आप जमाल घोटा जिसको भी दे रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते रहना है, ठीक है। अगर उसे दस्त लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाते रहें, हो सके तो ORS घोल दीजिए उन्हें, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन नहीं होगा और लूज मोशन जो लगा है उससे वीकनेस थोड़ी कम होगी। साथ में आपको ये जो जमाल घोटा है इसे छुपा कर रखना है, उन्हें कभी भी दिखना नहीं चाहिए। जमाल घोटा कोई मजाक की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये कई लोग ऐसा हो सकता है कि इस तरह से देखे कि अगर किसी के मजे, कई लोग होते हैं कॉलेज के बच्चे एक दूसरे से मस्ती मजाक में जमाल घोटे का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें क्योंकि ये जान भी ले सकता है। मैं जो आपको एक क्वांटिटी बता रही हूँ ये एक सेफ क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल अगर करेंगे तो नुकसान ज़रूर देगा। प्रेग्नेंट महिलाएँ इससे दूर रहें, ठीक है। अगर कोई महिलाएं गर्भवती है तो जमाल घोटे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब एक और बात आती है कि जमाल घोटे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस व्यक्ति को कभी भी अंदाजा ना पड़ने दें, नहीं तो वो व्यक्ति का आपसे विश्वास उठ जाएगा, आपके हाथ से कुछ भी चीज़ खाने से वो डरेगा और बिल्कुल खाने से ऐतराज करेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप पालन करें तो आप बिल्कुल सफल होंगे शराब छुड़वाने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसका इस टिप का इस्तेमाल करके आप जो भी जिनकी भी शराब छुड़ाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि कई सारे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो टिप है
अगर आप किसी की जिनकी शराब छुड़ाना चाहते हैं, अगर वो एडिक्ट है शराब के, मतलब डेली पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिनसे आप त्रस्त हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कई लोग हैं कि जो शौकिया तौर पर हफ्ते दो हफ्ते में पीते हैं, 10-15 दिन में पीते हैं, उनके लिए ये इतनी ज़्यादा कारगर नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही सोच सकते हैं व्यक्ति ने आज शराब पिया वो 10 दिन बाद पिएगा, तो क्यों उसको दस्त लगाना। ठीक है, तो आप इससे जो एडिक्ट हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे घर वाले त्रस्त हो चुके हैं, शराब पी के मारा कुटी करते हैं, तमाशे करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। तो अपने भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके इस टिप को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है खेल आपके दिमाग का है। जमाल घोटा कोई इतना जादुई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग से आपको उस व्यक्ति से खेलना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अब आप मुझे एक और चैनल पर देख सकते हैं, वे टू सक्सेस डू यू नो पर, जहाँ पर आपको कुछ अमेजिंग से फैक्ट मिलेंगे, अमेजिंग से आइडियाज़ मिलेंगे, कई सारे रोचक तथ्य मिलेंगे जो आप अपने आपके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप उस चैनल की भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, हर जगह देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।